स्टूडेंट्स आज का अपना सब्जेक्ट है विषय पढ़ने का लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स। पहले आप वीडियो च गल कर चुके हैं कि लेटर राइटिंग जी दो तरह की होंगी है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आप कर चुके हैं उसको तो समझ आ गया होगा। अच आप गल करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। सब तो पहले आप जानते हैं इनफॉर्मल लेटर्स जिहड़ियां हुंदियां की ने। जिहड़ियां लेटर्स आप अपने रिलेटिव्स नूं अपने जानकार नूं लिखते हैं जिवें कि माता पिता भरा भैन रिश्तेदार अंकल आंट ये जो लैटर्स होंगे ने इन्हों आप कहने इनफॉर्मल लैटर जिन्हों आप फॉर्मल नहीं होंगे। हम इस इनफॉर्मल लैटर लिखने का जो तरीका की है फॉरमेट की है हाउ टू राइट इनफॉर्मल लैटर इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजल जिमें कि आप फॉर्मल लैटर भी देखता से सब तो पहला जी लैटर स्टार्ट कर लगे हाँ हमेशा लैटर जोड़ा है अपने लैफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव टू राइट इन द लैफ्ट साइड इन ए स्ट्रेट लाइन। सब तो पहला आप जो लैटर स्टार्ट करेंगे एंड आप जो सब तो पहला जो एड्रैस है वो देंगे सेंडर्स एड्रैस जिन्हों आप जी लैटर लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रैस। सब तो पहला उनका एड्रैस है जिन्हों तुसी लैटर लिख रहे हो लिखता आप उस तो बाद जड़ा डेट ऑफ दैट डे वैन यू आर राइटिंग द लैटर उस दिन की डेट जो तुसी जड़ी है लैटर लिख रहे हो डेट ऑफ दैट डे। दैन आप जी लैटर स्टार्ट करना है जिमें कि आप फॉर्मल लैटर लिखने रिस्पैक्टिड स मैम उमें आप जो जो आप जानते हैं इनफॉर्मल लैटर आप देने माई डियर फादर माई डियर मदर माई डियर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट हूएवर द रैलेटिव इज कोई भी रिश्तेदार है आप जिन्होंने लैटर लिख रहे हो तो आप सैलीब्रेशन याद करेंगे इतनी माई डियर तो डैश पारियाँ जो भी अकॉर्डिंग टू नीड होगा आप इतने फील कर सकते हैं। दैन वी हैव टू स्टार्ट द सब्जेक्ट कंटेंट बॉडी ऑफ द लैटर आप लैटर स्टार्ट करनी है। दैन अगेन वी हैव टू स्टार्ट इन द सेम स्ट्रेट लाइन आप पैरों से हथ नहीं बनाना आप जो पहले उन्हें नीचे ही उतों स्टार्ट करनी है लाइन। इनफॉर्मल लैटर तुम जानते हो ऑलरेडी उन्होंने सब तो पहला लैटर लिखते हो ओबियसली उन्होंने हाल चाल पूछोंगे तो आप कोई भी इनफॉर्मल लैटर जो स्टार्ट करनी है तो उ आप लिखेंगे तुम लिख सकते हो हाउ आर यू आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू। एक एग्जाम्पल है मैं दिती है तुम होर तरीके भी कर सकते हो आई वॉन्ट टू सी दैट हाउ आर यू तो बाद मैं तुम कुछ दसें खुशी वाली गल है खुशी गल की सुनोगे यू विल बी हैप्पी टू हीयर दैट यू विल बी ग्लैड टू हीयर दैट अगर कोई उदासी वाली गल है तो तुम यू विल बी शॉर्ट यू विल बी इन सोरो वैन एवर यू लिसन दिस तुम एवं भी लिख सकते हो। तो लिखने तो बाद सब्जैक्ट मैटर अपना जो तुम सब्जैक्ट के रिगार्डिंग लिख सकते हो मान लो तुम ब्रदर लिख रहे हो स्टडीज से इंट्रस्ट नहीं लै रहा तो उन्होंने कहना ज़्यादा तो ज़्यादा वो जरा स्टडीज से इंट्रस्ट ले गेम्स जरा पार्टीसपेट घट करे ये नहीं करना नहीं जब लैटर के नीड के अकॉर्डिंग आप जी लैटर राइट डाउन करना है सब्जैक्ट मैटर इन द एंड इन द सेम वे लास्ट से जोड़ा है आप जिम्मे फॉर्मल लैटर सीखा सी यूर सिंसियरली ऑबीडेंटली एंड आप देंगे बदलेंडा प्यार है जिम्मे पंजाबी तुम लिख दौ यू आर लविंग दैट इज़ वेरी ईजी वर्ड इतने पूरा कंटेंट आ जाएगा थोड़ा फिर उस तो बाद यू आर लविंग इतने तुम अपना नाम जोड़ा है लिख सकते हो नीचे लैटर खत्म करते हो। तो यह तरीका है किसी भी इनफॉर्मल लैटर लिखन का इतने मैं एक जा दोबारा तो लिखनी है एक एड्रैस के नाम लिखते दिखाई है लैटर कि आप जी है कोई भी इनफॉर्मल लैटर जी है लिखनी है सेंडर्स एड्रैस न शायद ना पता चले आप कोई भी इतनी एड्रैस फील करके देख लें एक एग्जाम्पल होर तुम चंकी तरह समझ आ जाएगा। सेंडर जिन्हों आप लैटर लिख रहे हैं उनका आप एड्रैस लिखना है मान लो वह लुधियाना के रहा चंडीगढ़ किसी का भी एड्रैस जिदा तो जोड़ा लैटर है लैटर की हैडिंग एड्रैस दिता हुआ है दैन यू हैव टू यूज द सेम एड्रैस
तो वही एड्रैस जरा यूज करना है। अदर एड्रैस नहीं दिता तो तुसी कोई भी एड्रैस लैती जी लैटर अगले लिख सकते हो। हूँ मान लो मैं इतने जी आप लिखते पे हाँ लैटर जी है आप जनरली आप दस करिए अंकल थैंकिंग लैट गिफ्ट वास्ते जी है लैटर लिखनी है लैटर टू अंकल फॉर थैंकिंग लैटर टू अंकल फॉर थैंकिंग ठीक है। आप गिफ्ट थोड़े अंकल ने तुम्हें भेजे बर्थडे के उपर तो हैडिंग पूरी लिखी अपने ही हैडिंग है कि थोड़े अंकल ने तुम्हें जोड़ा बर्थडे से तुम प्रेजेंट भेजे है तुम्हें बहुत पसंद आया तुम उन्होंने धन्यवाद करना चाहते हो तो उन्होंने लैटर वापिस लिखना चाहते हो। हूँ तुम अपने अंकल का एड्रैस जोड़ा उपर राइट डाउन करोगे थोड़े अंकल मान लो जे है लुधियाना च रेंगे है उन्हें उनका एड्रैस कोई भी लिख सकते हो लुधियाना का। सब तो पहला जो आप एड्रैस लिखने तो वो जोड़ा महल का नाम स्ट्रीट का नाम उनका नंबर फिर उस तो बाद सिटी का नाम जोड़ा आप लिखना होता है। मान लो तुम लिखते पे इतने दैट दैट इज़ द नेहरू नगर फोर डी स्ट्रीट नेम भी देता आप फोर डी दैट इज लुधियाना वी राइट डाउन द सिटी नेम हेयर देन डेट ऑफ दैट डे वेन यू आर राइटिंग द लैटर फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग हेयर मे 23 2020 वी आर राइटिंग ठीक दैन वी हैव टू स्टार्ट द लैटर आप लैटर स्टार्ट लिखनी है आप लैटर जी लिख रहे हैं माई डियर अंकल अंकल लैटर लिख रहे हैं दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर माई डियर अंकल ठीक दैन आप नीचे स्टार्ट करनी है लैटर कोई पैराग्राफ नहीं बनाना हाउ आर यू आई एम फाइन आई हैव रिटन दिस लैटर टू थैंक यू फॉर बर्थडे प्रेजेंट आप जी अगर आप लैटर कंप्लीट करांगे जो भी नीड ऑफ द सब्जेक्ट है लास्ट से उम्मीद आप जी लैटर कंप्लीट जोड़ते हुए योर्स लविंग दैन राइट डाउन द नेम हियर योर्स नेम इज सफिशेंट तुसी अपना नाम लिख सकते हो नीचे इतने जोड़ा सैल्यूटेशन देंगे हुए तो यह तरीका है जोड़ा इनफॉर्मल लैटर लिखन का। होप सो तुहानू लैटर राइटिंग जी है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जी है समझ आ गई होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एंड ट्राई अनदर एग्जाम्पल टू थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।